तो एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मध्य पूर्व में दौरा करने पहुंच रहे हैं तो नया वॉर फ्रंट भी खुलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं। एंटनी ब्लिंकन मध्य पूर्व की यात्रा पर अमेरिकी विदेश मंत्री और ऐसे में इस दौरान 6 दिन में 8 देशों की यात्रा करेंगे एंटनी ब्लिंकन, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि अमेरिका के लिए चुनौती क्या है ब्लिंकन की यात्रा से पहले। दरअसल वॉर का नया फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर और इसराइल हमास के बीच पहले से ही युद्ध चल रहा है। 22 महीने से रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं जिस युद्ध का अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए चुनौती बढ़ती हुई, अब एक साथ 3 मोर्चों पर कैसे निपटेगा अमेरिका, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। पहले ही 2 वॉर फ्रंट्स एक्टिव हैं और तीसरे में हालात एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे पूछ रही थी रविंदर सर, क्या हो रहा है, ये क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्या अमेरिका, जैसा कि सिवाद सर ने कहा, नहीं चाहेगा कि एक और वॉर फ्रंट खुले, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमें पता है कि अमेरिका का रुख क्या होगा? जी हाँ, अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध फ्रंट खुले, क्योंकि एक चीज और याद रखिए, बाइडेन की इलेक्शन है अमेरिका में नवंबर के महीने में, राइट? तो इस समय कोई भी युद्ध खुल जाता है, कुछ पता नहीं किस करवट चल जाता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका नहीं चाहेगा। परंतु एट द सेम टाइम जो माहौल चल रहा है, जब से ये यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, मैं कहता आया आपके साथ भी, आते जनरल सिवाज मनीष जी को भी याद होगा, मेरे को तो ये दिखता है कि इस समय थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही है स्लो मोशन में। वीडियो आप स्लो मो में देखते हैं ना, तो एक दुनिया इस समय जंगों में है। जहां तक बात रही नॉर्थ कोरिया की, देखिए एक और फैक्टर है, पिछले 2 साल से जो साउथ कोरिया और जापान दोनों ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, और इनफैक्ट इन्होंने अभी 3 महीने पहले एक अपनी डॉक्ट्रिन निकाली कि जंग शुरू होने से पहले अगर हमें लगे कि 12 घंटे बाद नॉर्थ अटैक करने जा रहा है, उससे 12 घंटे पहले स्पेशल कमांडो फोर्सेस साउथ कोरिया की अमेरिका के मिलके जाकर के प्योंगयांग में सर काट देंगी, डीकैपिटेट कर देंगी पूरी लीडरशिप, और वो उन्होंने पब्लिक करी। देखिए आप अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाते हो अपने पास रखो, वो उन्होंने साउथ कोरिया ने पब्लिकली अनाउंस किया कि हमने ये डॉक्ट्रिन अडॉप्ट कर ली है। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में जंग की जो चांस बढ़ेगा वो ऐसे में होगा कि या तो नॉर्थ को लगेगा कि साउथ मेरे को अगले 12 घंटे में अटैक करके मेरी लीडरशिप को खत्म करने जा रहा है, उससे पहले वो करे मैं मार दूं, या साउथ को लगेगा कि हाँ नॉर्थ 12 घंटे बाद फुल प्लेन अटैक करने जा रहा है, इससे पहले कि नॉर्थ करे मैं कर दूं। तो ये मिस कैलकुलेशन या कैलकुलेशन रहेगी इन दोनों के युद्ध को भयानक। बड़ी बात आप कह रहे हैं, जी जी बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका हम रोक कर ले, फिर मैं आपके पास आऊंगी हमले पर। दरअसल साउथ कोरिया की सेना की चेतावनी भी सामने आ गई है, हमें उकसा रहा है नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया की तरफ से कहा गया। नॉर्थ कोरिया को तत्काल हमले रोकने की चेतावनी सेना की तरफ से दी गई है, तनाव के लिए नॉर्थ कोरिया जिम्मेदार होगा। आइए अब डिटेल में देख लेते हैं कि उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य डील किस तरह की है, क्योंकि रूस यहां पर उत्तर कोरिया के समर्थन में साफ तौर पर नजर आता है। पुतिन और किम की मेगा डील जो हुई है उसमें किम से क्या मिला, ये जानकारी आपके सामने है। बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा बता दें कि गोला बारूद, साथ ही साथ दूसरे हथियार भी मिले हैं। अब बदले में रूस क्या देगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रूस की तरफ से फाइटर एयरक्राफ्ट दिए जाने की खबर है, सर्फेस टू एयर मिसाइल, इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल दिए जाने की बात भी सामने आई है, साथ ही साथ मिसाइल प्रोडक्शन इक्विपमेंट, इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने को लेकर भी दोनों के बीच में डील हुई। और इसको लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि दोनों के बीच जो डील हुई है उसमें एक हाथ दे एक हाथ ले वाला सौदा हुआ है। सिवात सर, यह प्रतिमा, क्योंकि आज रूस के पास हथियार हैं मगर अम्यूनिशन की बहुत बड़ी कमी हो गई, और ये लड़ाई रूस यूक्रेन की 22 महीने चल रही और उसको कोई खास मदद मिली नहीं है। एक ईरान ने ही उनको शाही ड्रोन दिए हैं, चीन ने भी कुछ हथियार दिए हैं, तो इस प्रकार नॉर्थ कोरिया खुल के आया, नॉर्थ कोरिया उसको काफ़ी अम्यूनिशन दे रहा है और कुछ एक वेपन दे रहा है। तो ऐसे में बदले में जो है रूस उसको एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एडवांस एयरक्राफ्ट और एडवांस जो टैंक्स है वो देने का भरोसा दिया है किम जोंग उन को। ये गठबंधन जो है रूस और नॉर्थ कोरिया का, ये एक बहुत बड़ा पंच हो सकता है। और देखो लड़ाई अगर होती है नॉर्थ और साउथ कोरिया में तो सबसे बड़ा डर होगा कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार देश है। यूं तो पावर अमेरिका, चाइना, जापान और साउथ कोरिया की बहुत बड़ी है, मगर ये भी समझना पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया के साथ
चीन और रूस खड़े हैं उसको मदद करेंगे, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि किम जोंग यून के पास न्यूक्लियर हथियार हैं वो उसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। तो ये एक स्थिति एक ऐसी नाजुक हो सकती है, इसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा अमेरिका। अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, क्योंकि उसके पहले ही हाथ जले हुए हैं, रूस यूक्रेन लड़ाई और इसराइल हमास लड़ाई, इसराइल हमास लड़ाई जो है उसके फैलने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए एंटनी ब्लिंकन मिडल ईस्ट का टूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे देशों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई बंद हो, क्योंकि जिस प्रकार से ये अब की तारीख में मेडिटेरियन सी और रेड सी के अंदर फैलता जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई चिंगारी लगे और ईरान भी इसके अंदर आ जाए तो ये लड़ाई बहुत बड़ी बन सकती है, ये एक प्रकार से जोनल लड़ाई हो सकती है। तो इसको मद्देनजर रखते हैं अमेरिका, बहुत ठीक बोला कि अमेरिका के पास इतना अब ऊंचा दर्जा नहीं रहा कि वो किसी को प्रेशराइज करे, मगर वो नहीं चाहता कि उसके अब तीसरा फ्रंट खुले, और तीसरा फ्रंट खुलने से ये हम सब जानते हैं कि रशिया इज ऑलरेडी एट वॉर, और अभी जो हालात है उसमें किम जोंग का उनका साथ देना, क्योंकि कॉमन एनिमी भी एक है अमेरिका है, ऐसे में आगे क्या हालात किस तरीके से बदलते हुए आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आप देखिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन बार बार कह रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो वेस्ट है उसको हमें किनारे करना है। तो एंटी वेस्ट जो गठबंधन है उसमें निश्चित तौर पर रूस नॉर्थ कोरिया को एक महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर देख रहा है। मैं आपको बताऊं, जो मेरा अपना अनुभव कहता है कि जब नॉर्थ कोरिया से मिसाइल जाते हैं या नॉर्थ कोरिया से गोले भेजे जाते हैं रूस में, या ईरान के ड्रोन रूस में जाते हैं, रूस अपने पास भी हथियार काफी बनाता है, लेकिन शायद इन सब के बीच में ये भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है कौन मुझे कितना हथियार दे सकता है, कौन हथियार देने को राजी होता है, क्योंकि इसी से आपकी मिलिट्री रिलेशनशिप भी डिफाइन होती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो नॉर्थ कोरिया को पता है कि अगर लड़ाई बढ़ती है तो वैसी स्थिति में रूस और चीन मेरे साथ खड़ा होगा। वहीं साउथ कोरिया और जापान के साथ दिक्कत यह है कि अगर लड़ाई बढ़ती है तो बेचारा अमेरिका कहां कहां जाएगा, अमेरिका यूक्रेन को बचाए कि इसराइल को बचाए कि साउथ कोरिया को बचाए, या खुद जो अपने यहां डोमेस्टिक इशू है उस पर हैंडल करे। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, और इसी का फायदा किम जोंग उन या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी तरफ से कहा गया है कि ये चुनौती तो जरूर सामने आएगी कि किसका साथ दें किसका साथ ना दें। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने है जहां दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है।